आखिर कौन है मुंह पे लोहे की ढाल और सिर पर लंबी जटाओं वाला बड़े मियां छोटे मियां का ये मास्क मैन विलेन, जिसे देखकर पब्लिक का छूट गया पसीना। बॉक्स ऑफिस का वो गद्दार जिसकी एक्टिंग के सामने बड़े बड़े सुपरस्टारों की भी एक्टिंग पड़ जाती है फीकी, पिछले साल भी दे चुका है 700 करोड़ रुपए की ब्लॉकबस्टर फिल्म। ट्रेलर में मास्क मैन की खतरनाक एक्टिंग के आगे फीकी पड़ गई अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की भी एक्टिंग। कौन है ये खूंखार विलेन जिसके आगे फीके लगने लगे बॉलीवुड के और हॉलीवुड के बड़े बड़े विलेन? सिर्फ एंट्री देखकर अक्षय और टाइगर को भूल जाएंगे लोग। जी, बड़े मियां छोटे मियां फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में। बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया है। इस फिल्म के नाम की घोषणा से ही फैंस बड़े मियां छोटे मियां का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बड़े मियां छोटे मियां में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को मात देने के लिए एक मास्क मैन देखने को मिलेगा, लेकिन विलेन के मास्क में यह शख्स कौन है क्या आप जानते हैं? बड़े मियां छोटे मियां मास्क में दिख रहा ये विलेन पिछले साल 700 करोड़ रुपए की ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुका है। साथ ही बड़े पर्दे पर अपने अलग अलग किरदारों के लिए जाना जाता है। बड़े मियां छोटे मियां में मास्क का विलेन कोई और नहीं बल्कि सालार में नजर आ चुके साउथ के एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन है। पृथ्वीराज सुकुमारन साउथ के जाने माने एक्टर रहे हैं। उन्होंने अब तक कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है। बड़े मियां छोटे मियां में पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार का नाम कबीर है, जिससे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिरते नजर आएंगे। पिछले साल पृथ्वीराज सुकुमारन ने प्रभास के साथ फिल्म सलार में काम किया था, जिसे बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई मिली थी। बड़े मियां छोटे मियां में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, पृथ्वीराज सुकुमारन, मानुषी छिल्लर के अलावा सोनाक्षी सिन्हा और अलाया एफ भी भूमिका में नजर आने वाले हैं। बड़े मियां छोटे मियां को अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को जैकी भगनानी ने प्रोड्यूस किया है। इस साल की ईद अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के नाम होने वाली है। ऐसे में आपको ये किरदार कैसा लग रहा है? क्योंकि मास्क मैन देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है। इस ट्रेलर को अभी तक करोड़ों लोग देख चुके हैं। ये ट्रेलर YouTube पर ट्रेंड हो चुका है। सभी को इस मास्क मैन की एक्टिंग का इंतजार है। हालांकि हम आपको बता दें कि एक्टिंग तो दमदार होने वाली है, क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन इससे पहले भी जब जब एक्टिंग करते हैं तब तब दर्शकों का मन मोह लेते हैं। और वैसे भी जिस फिल्म में अक्षय कुमार हो, टाइगर श्रॉफ हो, पृथ्वीराज सुकुमारन हो, सोनाक्षी सिन्हा हो, वो फिल्म सुपरहिट तो होनी ही है। बस देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म क्या बाकी सारे बॉलीवुड के और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो पाएगी। वैसे ट्रेलर को देखकर आपको क्या लग रहा है? जो भी आपका अंदाजा हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।